now we'll study about causes of enlightenment. Before it, we study about enlightenment meaning and the characteristics of enlightenment. आज हम causes of enlightenment यानी कि नवजागरण के कारणों के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको meaning and characteristic of enlightenment, नवजागरण का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था. Causes of enlightenment, नवजागरण के कारण क्या थे, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से नवजागरण को एक डायरेक्शन मिली, एक दिशा मिली, ऐसी सिचुएशन हुई कि नवजागरण की स्थिति जो है वो पैदा हो गई. तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स ने वर्क किया है. उसी में से मेन कैरेक्टर्स जो हैं, मेन कॉजेज हैं, उनके बारे में हम देखते हैं. फर्स्ट इज रिलीजन वॉर, दैट मीन्स धर्म युद्ध. तो उस समय जब मैंने आपको बताया समाज पर थोपा गया था धर्म को, तो रिलीजन वॉर, धर्मयुद्ध हुआ. करीबन 200 ईयर्स तक, 200 वर्ष तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में जो है धर्मयुद्ध उनके कल्चर को लेकर के हुआ था. ईसाइयों के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम के अधिकार को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई थी मुसलमान और ईसाइयों में. और इस युद्ध के वजह से जो यूरोप वासी थे रोमन साम्राज्य में, ये बेसिकली पूर्वी देशों के संपर्क में आए. मुस्लिम देशों के संपर्क के कारण जो मुस्लिमों का कल्चर था, रहन सहन था, उसका प्रभाव जो है यूरोप वासियों पर भी पड़ा. मुस्लिम देशों के जो प्रभाव पड़ने की वजह से जो उनके पूर्वी देशों में उनके संबंध जो है, उनके रिलेशंस हैं, वो और आगे बढ़ते चले गए. तो बेसिकली जो रिलीजन वॉर है वो कहीं ना कहीं नवजागरण के जो है कारण बना. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार का विकास. व्यापार वाणिज्य का विकास तथा आर्थिक प्रगति ने भी नवजागरण में सहयोग प्रदान किया. मध्य युग में अधिकांश भूमि और संपत्ति सामंतों व चर्च के पास ही थी, जिन्हें वैज्ञानिक प्रगति, अनुसंधान व खोज में कोई रुचि नहीं थी. उन्हें तो परिवर्तन के नाम से ही डर था. वो नहीं चाहते थे कोई परिवर्तन समाज में आए, क्योंकि इससे उनकी सत्ता, उनके अधिकार उनके हाथ से चले जाते. जब अरब वासियों यूरोप वासियों के बीच में जो है संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, ट्रेड रिलेशन उनके बीच में बने, तो यहाँ पर भी परिवर्तन की एक दिशा बनी जो कि एनलाइटमेंट कहलाया. नेक्स्ट है सर्विंग अरबों की सेवा. यूरोप वासियों को पूर्वी देशों को संचित ज्ञान से परिचित कराने के लिए अरब वासियों का जो है बेसिकली उसका क्रेडिट है कि अरब वासियों ने यूरोप वासियों को पूर्वी देशों से इंट्रोड्यूस कराया. यूरोप के बहुत से देशों जैसे स्पेन, सिरली, सिसली, सार्डिया में जो अरब के लोग बस चुके थे, अरब वासी स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे और वे भारतीय यूनानी सभ्यता के संपर्क में आए, जिससे उनके थ्रू यूरोप में जो है पूर्वी जो देश हैं उनका इंट्रोडक्शन वहाँ पे हुआ. उनसे रिलेटेड जो कल्चर था उसकी स्थापना वहाँ पे हुई. तो बेसिकली ये भी एनलाइटमेंट का एक बड़ा कारण था. इसके बाद है मंगोल एम्पायर, मंगोल साम्राज्य. यूरोप वासियों के पूर्व के देशों में संपर्क में लाने के लिए मंगोल साम्राज्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 13वीं सदी में मध्य में कुबलाई खां के एक विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया था. उसके समय में राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक उन्नति हुई. उसके दरबार में पोप के दूत, यूरोपीय देशों के व्यापारी और दस्तात और एशियाई देशों के विद्वान, ज्योतिषी, साहित्यकार सभी लोग शामिल थे. तो इन सब की वजह से जो यूरोप था, यूरोप में पूर्वी देशों के जो कल्चर को फैलाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, लोग अवेयर हुए, लोग नई चीज़ों से जो है नॉन हुए, और ये भी एनलाइटमेंट का एक बड़ा कारण था. नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है आइडियोलॉजी, विविधतापूर्ण विचारधारा. मध्ययुगीन यूरोप में विविधतावाद चल पड़ी थी, यानी कि जो एक आप कहेंगे कि स्कॉलर्स होते हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे थे. उनसे वो जो उनके विचार थे, उनके व्यवहार थे, वो उनके जीवन पे स्पष्ट प्रभाव देखने को वहाँ पे मिला. अरस्तु भी उस समय के फेमस जो है स्कॉलर रहे हैं, उनका तर्कशास्त्र का उन पे प्रभाव था. सारी बातें उनकी जो है लॉजिकफुल थी. अरस्तु के तर्क के साथ ही सेंट ऑगस्टाइन के तत्वज्ञान से परिचित कराने का कार्य भी अरबों ने किया. तो इस समय में जो है जो स्कॉलर्स हैं उनका इफेक्ट लोगों के जीवन पर पड़ा और लोगों के जीवन में परिवर्तन आया. एनलाइटमेंट का ये भी एक बड़ा कारण बना. पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस, कागज़ और छापा खाना. एनलाइटमेंट इरा में नवजागरण का जो एक प्रमुख कारण था कागज़ और छापे खाने का आविष्कार भी था. दैट मीन्स इन दोनों का आविष्कार कहाँ हुआ था, इन चाइना, चीन में हुआ था. यूरोप वासियों को इनसे परिचित कराने का श्रेय भी अरब वासियों को ही है. कागज़ और छापे खाने के कारण जो है बेसिकली प्रिंटिंग
क्वांटिटी है वो बढ़ने लगी, यानी कि प्रिंटिंग जो सस्ती किताबें छपने लगी। पहले प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, छपाई का काम इतना नहीं होता था, लोगों के बीच जो है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के बहुत ज़्यादा स्रोत नहीं थे। फिर किताबें छपने लगी, लोगों के जो विचार थे वो मैगजीन्स किताबों के थ्रू सोसाइटी तक पहुँचने लगी, तो उसकी वजह से लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जो है कलेक्ट होने लगी और वो लोग ज़्यादा उससे प्रभावित हुए। तो ये भी बड़ा कारण एक एनलाइटमेंट का बना कि उस समय तक पेपर का प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है बहुत बड़े स्तर पर हो चुका था। इसके बाद है तुर्क विक्ट्री, तुर्कों की विजय। 15वीं शताब्दी में पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे वाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं, इसकी राजधानी थी कुस्तुनुतिया, उस पर उस्मानी तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था और यह नगर कई वर्षों से यूनानी ज्ञान कला और कारीगरी का विख्यात केंद्र था। तुर्कों ने इस पर आक्रमण किया और इस युद्ध में तुर्कों की विजय हुई और वहां को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों और विचारों को लेकर यूरोप के कई देशों में जाकर बच गए और वहां पे तुर्कों की जो बेसिकली है उसकी सभ्यता वहाँ स्थापित हो गई और उनके विचारों के कारण भी जो है उन्हें जागरण एक रास्ता इसके लिए बन गया था। इसके बाद है विज्ञान, सॉरी मीडियम क्लास, मध्यम वर्गीय। मध्य युग के उत्तरार्ध में यूरोप में व्यापार के विकास के कारण नगरों तथा मध्यम वर्ग का जन्म हो गया। नगर व्यापार और विधा के केंद्र थे। व्यापारी वर्ग होने के कारण मध्यम वर्ग के पास धन तथा पर्याप्त समय था, जिसका उपयोग उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के अर्जन में किया। शिक्षा और ज्ञान के अर्जन से उन लोगों के विचारों में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ, जो कि मेन कॉजेज ऑफ एनलाइटमेंट बना। इसके बाद आपका साइंस, विज्ञान। विज्ञान ने भी नवजागरण को प्रेरित किया। मध्य युग के अंत में विज्ञान का विकास शुरू हो गया। चर्च में पादरियों ने यूनानी ज्ञान को जीवित रखा, जिससे विज्ञान का जन्म हुआ और विज्ञान के जन्म लेने से जो रिसर्च है, लॉजिक है, ऑब्जर्वेशन है, ये सब मेथड्स फॉलो की गई। इनके द्वारा लोग जो है एक लॉजिकफुल लाइफ जीने लगे। उन्होंने हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना शुरू किया। दैट इज़ अ मेन कॉजेज ऑफ एनलाइटमेंट। ये भी पुनर्जागरण का एक बड़ा कारण है। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यू कंट्री, नए देशों की खोज। नवजागरण का एक कारण नए देशों की खोज भी था। व्यापार में वृद्धि के कारण जल और थल मार्गों की आवश्यकता महसूस हुई। कुतुबनुमा के आविष्कार ने समुद्री यात्रा को सरल बना दिया। भूगोल के विकास, ईसाई धर्म के प्रचार और यूरोप की आबादी में वृद्धि के कारण नए देशों की खोज की आवश्यकता हुई और उस समय यूरोपवासियों ने जो है उन देशों के लोगों के संपर्क में आए जो नए देश खोजे थे और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, लोगों के विचार परिवर्तित हुए और ये सभी जो है मेन कारण हुए पुनर्जागरण के लिए। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनलाइटमेंट, नवजागरण के क्या परिणाम रहे और उसका महत्व क्या था। ह्यूमैनिटी, नवजागरण की वजह से मानवतावाद को धर्म के स्थान पर, धर्म को पहले बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता, धर्म के जगह मानवता को, लोगों को महत्व दिया जाने लगा। द प्रिफ्रेंस ऑफ लोकल लैंग्वेज, नवजागरण की वजह से देशज भाषाओं, लोकल लैंग्वेज का विकास हुआ। उन्हें विदेशी भाषाओं के मुकाबले लोग अपनी जो लोकल लैंग्वेज थी अपने क्षेत्र की उसे ज़्यादा महत्व देने लगे। प्रोग्रेस ऑफ आर्ट, कला की प्रगति नवजागरण की वजह से हुई। यूरोप में मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत आदि की वजह से जो है यूनानी और रोमन प्रभाव कम हुआ। धर्म के बंधन से कला मुक्त हुई और लोगों के बीच में उसका बहुत ज़्यादा जब कहेंगे लोकप्रियता बढ़ गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों ने नवजागरण के बाद अंधविश्वास को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करना शुरू कर दिया। जैसे हमने पीछे बात की थी, लॉजिक फुल लाइफ लोग जीने लगे थे। डेवलपमेंट ऑफ मैटेरियलिस्टिक आउटलुक, भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। नवजागरण के बाद समाज में भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास शुरू हुआ। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्य को समझने में सफल हुआ। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का विकास। नवजागरण के कारण लोगों ने अपने अपने देश की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि लेनी शुरू कर दी। लोग अपने देश के लिए कार्य करने लगे, अपने देश को समर्पित होने लगे। नेक्स्ट है लव फॉर और रिचुअल। नवजागरण की वजह से लोगों का प्राचीनता के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ गया था। लोग अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को बचा करके रखना चाहते थे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अध्ययन में नवजागरण के बाद वैज्ञानिक विधियों का महत्व जो है वो बढ़ गया था। लोग इतिहास के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों की सहायता लेने लगे थे। रिफॉर्म ऑफ रिलीजन, धर्म सुधार। नवजागरण के बाद जो केवल और केवल जो मनुष्य का जीवन धर्म पर आधारित था, उन्होंने धर्म को जोड़े रखा, लेकिन धर्म में उन्होंने जो कुरीतियाँ थी, बैड रिचुअल्स थे, उन्हें छोड़ के उसमें सुधार किया, नई चीज़ों को जोड़ा, जिससे कि धर्म व्यक्ति पर एक बोझ ना बने।
उसका एक इंटरेस्ट दिलचस्प ये विषय रहे, लोग उसके प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते रहे। तो इस तरह से हमने देखे यहाँ पे कॉजेज इम्पॉर्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ एनलाइटमेंट, नवजागरण का महत्व, नवजागरण की विशेष सॉरी नवजागरण का महत्व, नवजागरण के जो परिणाम समाज पर क्या पड़े हैं। तो ये हमारा नवजागरण जो था ये ख़त्म हो गया, हमारा टॉपिक कंप्लीट। ओके, थैंक यू।